इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के साथ ही अन्य समारोहों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मुझे आप ही की इसी माटी के सपूत और जिन्होंने यहां पर एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से मुंबई में, महाराष्ट्र में अपनी एक पहचान बनाई, ऐसे कृपा शंकर के लिए, आपकी कृपा के लिए अपील करने के लिए आपके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और मैं आपसे कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही धूम मची है, एक ही लहर है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर में पूरा देश बोल रहा है, वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार की बात होती है। बहनों और भाइयों, सबसे जो बुरी स्थिति होती है वो समाजवादी पार्टी की होती है, क्योंकि ये पार्टी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, कुल 60-62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश में इसने खजुराहो में नामांकन किया तो प्रत्याशी अपना नामांकन ही गलत भर दिया और कोई लड़ने के लिए नहीं मिला। और अब तो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की स्थिति क्या है ये आप देख रहे होंगे। आप सोचो, जब सत्ता से कोसों दूर हैं तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट, आपस में नूरा कुश्ती समाजवादी पार्टी के अंदर आप देख रहे होंगे। बहनों और भाइयों, जब इस सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है और इस 400 पार के लक्ष्य में हमें जौनपुर सीट भी चाहिए। इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। वैसे जनता जनार्दन स्वयं इसका जवाब दे रही है। जनता कह रही है 400 पार मोदी जी को इसलिए मिलेगा क्योंकि जनता की भावनाओं का उन्होंने सम्मान किया। तो ये सपा कांग्रेस के लोग पूछते हैं कौन सा सम्मान, तो जनता कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को लाने वाले कौन है? मोदी जी। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त कराने वाले कौन है? मोदी जी। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा एक तरफ राम भक्त हैं जो राम के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ रामद्रोही हैं, वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। हमें आश्चर्य होता है, अबे दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे बड़े देश को देते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तनिक भी शर्म नहीं आती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, तनिक भी कोई संकोच नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, जहां भी कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ ढूंढ करके जितने भी दागी दल है, भ्रष्ट दल है, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।